नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि ओम नमः शिवाय के पीछे में छुपे हैं बहुत सारे रहस्य। ठीक है, तो इन सारे रहस्यों को आपको जानना भी ज़रूरी है कि किस वक्त किस मंत्र का जाप करने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में अधिकांश लोग जो है ना वो सब डिप्रेशन में हैं, है ना। अधिकतर तनाव में ही रहते हैं, चाहे वो काम का तनाव हो, चाहे वो घर का तनाव हो, चाहे वो प्रेम रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो शादी रिलेटेड मैटर हो, कोई भी मैटर हो, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान ही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए लोगों के लिए उनके वैदिक और शांति के लिए कुछ करना ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अभी बहुत फास्ट हो गई है, मतलब कह लीजिए तो दौड़ रही है हमारी ज़िंदगी, है ना। तो खुद को भीतर से निकालने के लिए एक आवश्यकता भी बन गई है, और वही आवश्यकता है कि हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना। देखिए ये ओम नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ठीक है, ये एक पंथ है, इसमें एक आत्मा मौजूद है। ये मंत्र आत्मा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि करता तो है, साथ में ये सिर्फ आत्मा की शुद्धि नहीं करता है, ये मन की शुद्धि भी करता है। दोस्तों ये जो है ना ओम नमः शिवाय, ये सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है, एक तरंग है, एक जीवन का तरंग है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी मंत्र का उच्चारण ये एक वाइब्रेशन होती है, ये क्रिएट करती है आपके शरीर की जितनी भी शक्ति है, इन सारी शक्तियों को, आपके शरीर के जितने चक्रास हैं इन सारे चक्रास को एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो आप इसे एक मेडिसिन की तरह भी समझिए कि हमें रेगुलर एक मेडिसिन लेने की तरह है जो कि ये मंत्रों का जाप होता है। ठीक है, तो आप इसे एक गाना भी कह सकते हैं कि ओम नमः शिवाय आपको जिस तरह गुनगुनाना है, आपको जिस तरह से जाप करना है, ठीक है, इसे कोई भी नाम दे दीजिए। इससे जो ध्वनि निकलती है, यानी कि इससे जो वो मधुर आवाज़ निकलती है, यही वो गाना है जिसे आपको हमेशा गुनगुनाते रहना है, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो देखिए जीवन में कभी कभी आप इतने ज़्यादा परेशान भी हो जाते होंगे कि आप अपने लाइफ के जो ट्रैक है ना उसे खो देते हैं। तो तब आप सभी यही तो चाहते हैं कि हमें शांति कैसे मिले, लेकिन ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी कि आप अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं, आप अगर कोई चीज़ जान रहे हैं, तो उसे मतलब उसे कंटिन्यूटी भी रखनी ज़रूरी है। यानी कि जब आप परेशान हैं तभी सिर्फ मंत्रों का जाप करेंगे, आप अगर बहुत खुश हैं तब फिर आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं, यानी तब आप समझेंगे कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है। देखिए कोई चीज़ टेम्पोररीली करेंगे ना तो ये थोड़े दिन की बेनिफिट होगी, उसके बाद ये अपना रंग दिखा देंगे, यानी कि उसकी जो उसकी जो एक इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट वहीं तक रहेगी जितना दिन तक आप इसका करेंगे, लेकिन आप जैसे ही छोड़ देंगे तो वो धीरे 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 जो असर है ये असर कम होने लगती है। ठीक है, तो देखिए ओम नमः शिवाय जो है इसको आप जाप करेंगे तो ये होता है ना कि ये मधुर आवाज़ जो है ये आपकी चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बनाती है, और ये आपके जो विचार है, आपकी जो मतलब सोचने की शक्ति है, हमेशा क्या होता है ना कि हम में से कुछ ही लोग हैं जो लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव वे में देखते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की धैर्य शक्ति और धैर्य सीमा इतनी ज़्यादा खो जाती है कि वो अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम्स की तरह देखते हैं, उनके सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा गौर करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, लेकिन ओम नमः शिवाय जो है ना ये आपको बिल्कुल ठीक करता है, आपको ठीक राह भी दिखाता है। तो ये क्या होता है, ये आपके आत्मा को एक संदेश भी भेजता है। जब आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं कि ये आपके आत्मा को एक संदेश भेजता है कि शांत रहे, अपने को ठंडक दे। तो यही चीज़ है, यही इसकी महिमा होती है कि ओम नमः शिवाय जो है इसका उच्चारण मात्र से आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। देखिए ये मंत्र जो है ना हमें ठीक कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जब आप ये मानना शुरू करते हैं कि जीवन आपके खिलाफ एक
षड्यंत्र कर रहा है, आपको लगता है कि चारों ओर से आपके आपके लिए षड्यंत्र हो रहा है और कोई भी आपको शांति नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सब उथल पुथल होके रखा हुआ है, तो ये मंत्र जो है आपको शांति का मार्ग दिखाएगा और आपको एक अनुभूति और सम्मान के साथ जवाब देने के लिए आपको तैयार करेगा, यानी कि आपको स्पष्टता देगा और आपको बुद्धि प्रदान करेगा। ठीक है, तो यही जो है ना, ये मंत्र की बहुत ज़्यादा खासियत होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके जितनी भी ऊर्जाएं हैं यानी बैड एनर्जीज हैं उनको क्लीन करती है। ठीक है, तो इंस्टेंट अगर किसी मुसीबत में पड़े हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़े हैं, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए, इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर मिलती है। देखिए, एक और खासियत इसमें है कि आपके अंदर अगर किसी तरह का अहंकार है, आपके अंदर अगर किसी तरह का आक्रामक आपका रवैया रहता है हमेशा, कि आपको किसी को जवाब देना है, झगड़ा करना है और हमेशा तेज तरार होकर ही आपको आंसर करना है, तो इससे क्या होता है ना कि झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यही चीज़ आपको जब कोई शांत वे में कोई इंसान आपके सामने खड़ा है और बहुत गुस्से में है, आप उसको आंसर कर रहे हैं लेकिन एक शांत वे में आंसर कर रहे हैं, तो देखिएगा ये जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ये जो आप दोनों बातें कर रहे हैं, ये झगड़ा को बढ़ावा नहीं देता है, ये किसी प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि ये प्रॉब्लम को घटाएगा। मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंसान सामने से आपकी ओर बौछार कर रहा है गालियों का, गुस्से का, आप पर तोप छोड़ रहा है, और उस वक्त ओम नमः शिवाय जो मंत्र होता है अगर आप जाप करते हैं या फिर आप रेगुलर जाप करते हैं, तो वही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो आपको तैयार करता है, सामने आपको बिल्कुल स्पष्टवादी बनाता है और बुद्धि प्रदान करता है कि आप अपने से जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अहंकार के साथ ना हो और बहुत खूबसूरती से आप उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि दुश्मन भी जो होता है ना अपनी गलती मानने पर मजबूर हो जाता है। तो देखिए, आपको सही रास्ता दिखाने का मतलब है कि आपके अंदर मन के जो तनाव है ना इसको दूर करना है, ये ओम नमः शिवाय मंत्र दूर करता है। देखिए, ओम जो ध्वनि है ये ब्रह्मांड से निकली हुई ध्वनि है, ये ओम जब हम बोलते हैं ना तो ओ पर भी जोर लगता है, म पर भी जोर लगता है, जब म बोलते हैं तो आप देखेंगे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वही वाइब्रेशन हमारे चक्रास को, हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमागी संतुलन को, हमारे आत्मा की शुद्धि को ये मंत्र करता है, यानी कि ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो देखिए ज्योतिष के अनुसार भी ये मंत्र जो है ना, जितने भी नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, नेगेटिव प्लैनेट्स के प्रभाव होते हैं, जो हानिकारक प्रभाव होते हैं ना, उसे कम करने में ये बहुत शक्तिशाली मंत्र माना गया है ओम नमः शिवाय। तो आपके जन्म कुंडली में, ठीक है, तो उसके अगर कोई भी ग्रहों का बुरा प्रभाव है ना, तो ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है ये इसे कम करता है, आपके जीवन में इन ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को पैदा जो हुए रहते हैं, इनकी जो प्रकाश रहती है, इनकी जो इफेक्ट रहती है आप पर, उनको कम करता है। ठीक है, साथ में आपको एक एनर्जी प्रदान करती है जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। देखिए, बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों के अनुसार भी ना इस मंत्र को सुबह और शाम जपना सबसे फायदेमंद होता है, और लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक टाइम ही चुन लेना है। देखिए, ये भी है कि आप मान लीजिए कि आपको कोई भी मंत्र कभी भी कहीं भी पढ़ना है, खास करके जब आप नेगेटिव एक सिचुएशन में पड़ गए हैं, ठीक है, आपको कोई परेशानी आ रही हो और आप परेशानी में पड़ गए हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब भी आप मंत्रों का जाप कीजिए, इससे भी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, इंस्टेंट रास्ता मिलता है। और देखिए, ये शिव को समर्पित मंत्र है क्योंकि इसमें बहुमुखी प्रतिभा है और उसमें महान शक्ति भी है, तो इसका जब भी आप उच्चारण करेंगे, किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो इसका जो इफेक्ट रहता है ना बहुत अच्छा रहता है। ओम नमः शिवाय जो है ये एक ऐसा मंत्र होता है जिसका बहुत सारा फायदा भी है। देखिए, मैं आपको फायदा बता रही हूँ कि इस मंत्र का जाप करना काफ़ी सरल होता है और इसके लाभ काफ़ी सुंदर होते हैं। बस एक चाहिए, तो चाहिए आपको पूर्ण विश्वास चाहिए, आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसमें विश्वास और एक मतलब आस्था के साथ आप उसको करेंगे, जाप करेंगे, तो उसको क्या होता है ना, उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, देखिए
आपको इस मंत्र को सिर्फ 108 बार ही जाप करना चाहिए सुबह और शाम। अदरवाइज आप अगर फिंगर काउंटिंग कर रहे हैं तो भी चलेगा, आप अगर रुद्राक्ष की माला से कर रहे हैं तो भी चलेगा, अदरवाइज आप मनी मन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है 108 सुबह 108 शाम को। अब बात आती है कि देखिए इसको करना कैसे है। तो पैरों को बैठ कर जैसे आप आसन में बैठते हैं, आप उस आसन में बैठिए और उसके बाद आपको एक योग मुद्रा लेनी है, कोई भी मुद्रा आप जिसमें कंफर्टेबल हो, और पीठ को सीधी रखें जिससे कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी रहे, ठीक है। और आप सुबह उठकर अपने सारे कामों से मतलब खुद को शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद आप इसको बैठकर सांस लीजिए, सांस छोड़िए, उसके साथ साथ आप मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है। इससे सबसे बेस्ट होता है 108 बार करना, और आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र, जब भी परेशानी में पड़ गए हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिए। ये एक यूनिवर्सल मंत्र है और ये आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाला भी है। तो आई होप आज के लिए, आज का जो वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।